तो आपने देखा कि मैग्नेट और मैग्नेट के बीच में भी फोर्स है और मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल के भी बीच में फोर्स है। तो मैग्नेटिक फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं फिर से, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेट और वन मैग्नेट एंड वन मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स एंड इट हैज़ बोथ काइंड ऑफ नेचर, यानी ये रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है और अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ फोर्स की। लास्ट वीडियो में हमने लोगों ने डिस्कस किया था कि दो तरह के चार्ज होते हैं। मैं इसका डायग्राम नीचे बना लेता हूँ। तो एक चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो मान सकते हैं कि जैसे मैग्नेट में दो पोल होते थे, साउथ और नॉर्थ, ऐसे ही यहाँ पर है दो तरह के चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ जाएंगे, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। और अगर दोनों सेम तरह के चार्ज लेते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये रिपल्सिव फोर्स हो गया, फोर्स हो गया। तो आप डिफाइन कर सकते हैं दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एंड इट कुड बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। या फिर से कहेंगे द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू देयर चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वर्ड स्टैटिक इसलिए यूज़ किया है कि चार्ज जो है रेस्ट पर है। आई होप चारों तरह के फोर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।